कटघरे में खड़ा यह व्यक्ति जो देखने में ही बहुत ही खतरनाक और भयंकर दिख रहा है, जिसने मेरे मुल्क के महाराज हिरण्यकश्यप की हत्या बहुत ही निर्ममता के साथ किया है, इसे न तो कानून का डर है और न ही किसी प्रकार का पछतावा। यह इंसान है या जानवर? माय लॉर्ड, यह व्यक्ति देखने में ही इस पृथ्वी लोक का प्रतीक नहीं होता। अगर इसे इस प्रकार छोड़ दिया जाता है तो देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे सख्त से जी जाए। That's all your honor. पहले आपको कहीं देखा नहीं, लक्ष्मणपुर ब्लॉक में जमा कराया हूँ कंबल, बहुत ही भारी और सगड़ा बाजार में बेचकर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहते हैं जो मुंह से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक गिटार या माउथ ऑर्गन? मैंने भाभी के पंजे से मेरी गर्दन को छुड़ाओ। ऑर्डर ऑर्डर, यह क्या फुसुर फुसुर हो रही है, जल्दी से बोलो अपना नाम। माया, एक नाम हो तो बताओ। राम, कृष्ण, नारायण, हरि, गिद्ध, जो बाप मुझे जिस नाम से पुकारता है वही मेरा नाम है। लाल है तब तो जरूर उसका मित्र होगा। माय लॉर्ड, भोले भाले लोगों को सताना और उन्हें अपने माया जाल में फंसाना यही इसका पेशा है। योर ऑनर, मैं इस दफा 302 के साथ साथ 420 का भी आरोप लगाता हूँ। इसने वेश बदलकर बंदर भालुओं का सहयोग लेकर सुदूर लंका जाकर के वहां के प्रतापी राजा रावण का परिवार समेत सफाया कराया। नारायण नारायण। और यह मजाक बादुष का वर्ण मेरी नौकरी की पत्नी को उठा ले गया। मैं उपस्थित अपने कार्य दोस्त तथा विधायक पूछना चाहता हूँ कि यदि आपकी धर्मपत्नी को कोई उठा ले जाए तो क्या आपका खून नहीं भरेगा? निश्चित ही खून उठेगा। इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट करनी थी। कानून को अपने हाथ में लेकर कसूरवार को सजा देने वाला ये कौन था? माय लॉर्ड, मैं पर तमाम धाराओं के साथ 302 का संकीर्ण आरोप लगाता हूँ। मेरे वकील ने उस दुष्ट रावण को समझाने के लिए कई बार संवेदना भेजा, परंतु वह दुष्ट घमंड के कारण माता सीता को वापस नहीं किया। विवश होकर मेरे प्रभु को उस दुष्ट का समूह नाश करना पड़ा। तो इसके लिए पुलिस थी, देश का संविधान था। माय लॉर्ड, संविधान और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार इसे किसने दिया? माय लॉर्ड, अब मैं कुछ गवाह प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस केस से जुड़े हैं और सच्चाई का पर्दाफाश।
कर सकते हैं। इस व्यक्ति के कारनामों की एक लंबी लिस्ट है। हर एक व्यक्ति वेश बदलकर अपने कारनामे किए हैं। इसने द्वापर के मथुरा राजा कंस का वध परिवार समेत कराया। अब मैं कुछ सवाल प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस केस से जुड़े हैं और सच्चाई का पर्दाफाश कर सकते हैं। मैं इसकी आपसे इजाजत चाहता हूँ। माय लॉर्ड, मेरा पहला गवाह है मिस खप्पर भरनी। मिस खप्पर भरनी अदालत में हाजिर हो। तुम महल में क्या करती हो? जी मैं बेबी प्रहलाद की आया हूँ। आया हो अपनी आई? हाजर हाजर, गवाह को बोलने दे, उसे डिस्टर्ब ना करे। हाँ तुम मिस खप्पर भरनी, आपने वहाँ क्या देखा? रोज की तरह जब मैं बेबी प्रहलाद के कमरे में पहुँची तो उसे वहाँ न पाकर मैं बाहर आई। बाहर आकर मैंने देखा। क्या देखा? हुजूर मैंने देखा कि महाराज हाथ में तलवार लिए बेबी प्रहलाद से पूछ रहे थे, बोल तेरा भगवान कहाँ है। अचानक महाराज ने तलवार को खम्भे से टकराया, भयंकर विस्फोट हुआ। वहाँ यह विचित्र सा व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने अपने नाखूनों से महाराज को अपने जांघों पर रख कर उनका पेट फाड़ डाला। तुम जा सकती हो। माय लॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह है मास्टर कोडाराम। मास्टर कोडाराम अदालत में हाजिर हो। आपका नाम? मास्टर कोडाराम। आप महल में क्या करते हैं? हुजूर मैं बेबी प्रहलाद को पढ़ाता हूँ। घटना के दिन के बारे में आप क्या जानते हैं? हुजूर प्रतिदिन की तरह जब मैं महल गया तो देखा कि महाराज हाथ में तलवार लिए बेबी प्रहलाद को डांट रहे थे और कह रहे थे, बोल तेरा भगवान कहाँ है। बेबी प्रहलाद क्या कहने पर उस खम्भे में भगवान है महाराज ने तलवार से खम्भे पर प्रहार किया और एक भयानक विस्फोट हुआ। हुजूर मेरी तो आंखें ही बंद हो गई जब आप खुली तो मैंने देखा। क्या देखा? हुजूर मैंने यह देखा, यह विचित्र दिखने वाला प्राणी जितनी पलक कर महाराज को अपने जांघों पर रखकर उनका पेट फाड़ रहा था। यह सब देख के मेरा आंखों में तुम्हारे भाग गया। तुम जा सकते हो। गवाहों को मेरे नाम यह साबित होता है कि इसी विचित्र प्राणी ने मेरे मुवक्किल महाराज हिरण्य कश्यप की हत्या की। अतः मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि इसे इंडियन पेनल कोड धारा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाए। कालों के काल महाकाल, फांसी की सजा।